हेलो, वेलकम फ्रेंड माय चैनल ज्योति कैड। इस वीडियो में हम ये पेंडेंट बनाना सीखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपने ये सेम पीस ट्राई करना है तो इसकी मैंने यहाँ से डायमीटर आपको दे रखा है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ये कर्व लाइन डिलीट कर लूँ। ठीक है, अभी देखो ये मैं आपको समझा देती हूँ ये कर्व मैंने किस तरह से ड्रॉ कर रखे। देखो फ्रंट व्यू में देखो ये पूरे मेरे एक लेवल पे है। ठीक है, ये मेरे पूरे शेप लेन पे है। ठीक है, अभी देखो ये और ये दोनों कर्व मैंने इस तरह से ड्रॉ किए हैं और ये एक कर्व अलग ड्रॉ किया है। ठीक है, ये वाला पोर्शन अलग से ड्रॉ किया है और ये और इसके साथ ये कर्व मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ किया। देखो इसको हाइड करके दिखा देती हूँ। ये पोर्शन मेरा अलग है और ये मैंने एक साथ इस तरह से ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट करूंगी। ठीक है, सबसे पहले तो देखो मेरे को ना इस पार्ट में ना डायमंड रखनी है और मेरे को ना यहाँ पे पावे सेटिंग करनी है। ठीक है, तो ये ऑफसेट मैंने ना उसी हिसाब से ले रखा है। ये यहाँ पे जो मैंने ये लाइन की है ना, ये मैंने उसी हिसाब से जितना बाउंड्री मैं यहाँ छोड़ूंगी ना उसी हिसाब से मैंने ये बाउंड्री यहाँ पे छोड़ दी है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक बारी इसका यहाँ से पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद सरफेस बनाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इसका मैं ऑफसेट लेती हूँ, पावे सेटिंग करनी है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 0.65। ठीक है, इतनी बाउंड्री मैंने इस तरफ छोड़ दी और इतनी बाउंड्री मैंने इस तरफ छोड़ दी। ठीक है, देखो ये एक जगह पे आके दोनों कट हो रहे हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से मैंने इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, ये लाइन आ गई मेरे पास, इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने ये पहले ही कर लिया। ठीक है, अभी इन दोनों को मैं यहाँ से एक कलर देके इनको हाइड कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इनको ये कलर दिया और इनको मैंने यहाँ से हाइड कर लिया। ठीक है, अभी सबसे पहले हम यहाँ पे सरफेस बनाएंगे और यहाँ से ये रिपिंग की कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ से सिंगल लाइन ले रही हूँ पहले मैं। यहाँ पे मैं स्विफ्ट टू से सरफेस बनाऊंगी। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से एक्सप्लोर कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं लोफ्ट से सरफेस बना लूंगी। ठीक है, पहले मैं ये दोनों सरफेस बना लेती हूँ, यूजर कलर में ये रखती हूँ ताकि लाइन आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया स्विफ्ट टू, दिस कर्व इस लाइन को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर। अगर हमें यहाँ से एड स्लाइसिस करके सरफेस अपना सीधा करना है तो वो कर लेंगे हम यहाँ से, एंटर, ओके। ठीक है, देखो ये सरफेस बन गया मेरा इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना ये लोफ्ट से बना लूंगी। ठीक है, अभी देखो इस कर्व को पकड़ा मैंने, इस कर्व को पकड़ा और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया लोफ्ट और ओके। देखो अभी मेरे को क्या करनी है, अभी मेरे को पेंडेंट में इस लाइन की और इस लाइन से रिपिंग करनी है। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा बड़ा पीस है, अगर छोटा पीस है तो आप इसको 0.5 डाउन करके भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं यहाँ पे 1 mm डाउन रखूंगी। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कितना डाउन रखना है। ठीक है, अभी देखो अभी सबसे पहले तो मैंने ये रेड कलर, अच्छा इस वाले कर्व की तो मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ से ये सरफेस सिलेक्ट किया। ठीक है, और इसको मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, अभी देखो अभी ये पीस बनाना है तो मुझे ये कर्व चाहिए और ये कर्व चाहिए, ये इतना एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इन दोनों को एक बारी में एक काम करती हूँ, जो ये ओरिजिनल कर्व है इनको मैंने कंट्रोल सी कर लिया। ठीक है, और इनको मैं सबसे पहले इस लेयर में डाल के हाइड कर लेती हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेती हूँ। ठीक है, अगर बाद में इनकी जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, अभी देखो इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ ट्रिम। ठीक है, ये पोर्शन मेरा ट्रिम हो गया।
इसको भी मैं यहाँ से ये ब्लू ही कलर दे देती हूँ, ठीक है। जिस पीस की हमें रिपिंग करनी है उसको ही रखेंगे, बाकी सारे को मैं यहाँ से अनहाइड कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी देखो इस लाइन को मैंने यहाँ से किया माइनस वन एंटर, ठीक है। इसके मैं यहाँ से पॉइंट्स ऑन कर लेती हूँ, ठीक है। इस पॉइंट्स को पकड़ा मैंने और यहाँ से मैं इसको मूव कर दूंगी, देखो इस पॉइंट्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ से ये थोड़ा सा इसको ना इस तरह से मैं सेट करूंगी कि ये एक फ्लो आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ से इस पॉइंट्स को ऊपर ले लूंगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको सेट करना है कि ये मेरे को एक पूरा फ्लो में दिखे, ठीक है। ये पॉइंट ऊपर किया मैंने, बाकी तो मेरे को सब सही लग रहा है, ठीक है। अभी इस पे भी कर लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से माइनस वन डाउन कर लेती हूँ और इसके भी मैं यहाँ से पॉइंट्स ऑन कर देती हूँ। इस पॉइंट्स को पकड़ा मैंने और इसको मैं यहाँ से मूव कर दूंगी इस लाइन पे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आउट कर देती हूँ, ठीक है। अभी देखो अभी यहां से ना मैं यहां से इसको थोड़ा सा ना अप रखूंगी, क्योंकि ये सरफेस मेरा नीचे नहीं आना चाहिए। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ से लोफ्ट से सरफेस बनाया, ठीक है। इसको इसको एंटर, ओके, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने लोफ्ट से सरफेस बनाया, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ से बाहर जा रहा है ना, और ये यहाँ से इससे नीचे आ रहा है, तो मैं इसको इस हिसाब से लूंगी ना, ये इसमें मर्ज हो जाए। अभी देखो इसको मैंने यहाँ पे किया ऑफसेट सरफेस नीचे की ओर वन एंटर एंटर, ठीक है। और इसको भी किया वन एंटर, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है और ये इसमें यहाँ से ये वाली चीज है जो ये इसमें पूरी तरह से मर्ज हो रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको तो हमें इस वाले लाइन को तो यहाँ से थोड़ा सा अप ले लेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से डिलीट डिलीट, ठीक है। अभी देखो इस वाले को तो हमें थोड़ा नीचे लेना और इसको थोड़ा सा ऊपर लेना। इसके पॉइंट्स ऑन करूंगी मैं और इस पॉइंट्स को पकड़ के मैंने माइनस पॉइंट फाइव डाउन, ज्यादा हो गया, माइनस पॉइंट थ्री डाउन, ठीक है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा डाउन रख लेती हूँ, उसके हिसाब से इसको मैंने कर दिया माइनस पॉइंट वन डाउन, ठीक है। ये मेरा यहाँ से थोड़ा सा डाउन चला जाएगा और इसको मैं अप कर लूंगी। पॉइंट ऑन किए, इसको मैंने अप कर लिया पॉइंट फाइव अप, इसको पॉइंट टू अप, ठीक है। आपको अपने हिसाब से देखना है कि वो हमारा जो फ्लो है जो वो किस तरह से आ रहा है, ठीक है। अभी देखो अभी करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने किया एल ओ एफ टी लोफ्ट, इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, भी देखो ये थोड़ा सा मेरा अप ही जा रहा है, पर ये जो है ना इसको तो हम यहाँ से कट कर लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने यहाँ से किया ऑफसेट सरफेस नीचे की ओर देखो नीचे से हमारा ठीक आ रहा है, ये इतना पार्ट हम इसका यहाँ से सरफेस वो करके ट्रिम कर लेंगे बाद में। अभी देखो यहाँ पे मैंने ये लोफ्ट से सरफेस बस आपको दिखाने के लिए बनाया है, पर हम यहाँ पे लोफ्ट से नहीं सरफेस बनाएंगे, ठीक है। वो क्यों नहीं बनाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मतलब इसको बनाने का मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगी, ठीक है। इसको हम नॉर्मल सरफेस बना के इसको हम यहाँ पे ऑफसेट सरफेस नहीं करेंगे, वो भी बताती हूँ क्यों। देखो इसको मैंने यहाँ पे अनहाइड किया, ठीक है, जो ये मेरा सरफेस था, इसको मैंने यहाँ से देखो ऑफसेट सरफेस किया, जितना इसको दिया है मैंने माइनस वन एंटर, सॉरी इसको मैंने किया वन एंटर। देखो यहाँ से ये मेरा किस तरह से आया है, ठीक है। देखो ये यहाँ से ये मेरा सही नहीं आया है ना, ठीक है। अभी देखो सरफेस को सही तरीके से बनाने का मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ, ठीक है। देखो इसको मैंने कंट्रोल जेड किया, ये वापस से मैंने ये सरफेस हाइड करे,
इनको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी। टोफियो में आऊंगी और मैं एक काम करूंगी, ये मेरा हल्का सा यहाँ से बाहर है ना, तो मैं यहाँ पे ये यहां से लेके और यहां से लेके और यहां तक लाइन लगा दूंगी, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट मैं यहाँ पे अपना ट्रिम ही कर लूंगी, ठीक है, या उसको वहां से भी हम सही कर सकते थे, ठीक है। अभी देखो एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा ली, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्वीप टू से सरफेस बनाएंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया स्वीप टू, दिस दिस दिस, एंटर, एड स्लाइसिस करके। अगर आपको ये सरफेस कहीं से सीधा करना है तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। देखो अभी ये इसका कलर मैं यहाँ से ये करती हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को कर्व मेरे आराम से दिख जाए यहाँ पे। स्वीप टू दिस 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 एंटर, क्या ये मेरा, और इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं यहाँ से इसको ऑफसेट सरफेस नहीं करूंगी, ठीक है, मैं इसको करूंगी, मैंने यहाँ से किया सॉलिड एक्सट्रूड प्लेनेट कर्व स्ट्रेट, ठीक है। इसका मैंने कर्व सिलेक्ट किया, एंटर किया, और मैं इसको हाइट दे दूंगी उसके जितनी ही, -1 एंटर, ठीक है। देखो इसी तरह से इसको भी -1 और यहां से भी, ठीक है। सेम प्रोसीजर मैं यहां पे भी कर लेती हूँ, देखो अब ये मेरा ओके है, यहां से कुछ नहीं निकला हुआ, ठीक है। अभी देखो, अभी यहां पे वापस से स्वीप टू से अगर यहां से भी आपको कुछ सीधा करना है, कई बार हमारा सरफेस सीधा नहीं आता, तो वो भी हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। एड स्लाइसेस कर लूंगी यहाँ पे, एंटर, ओके। अभी इन सबको मैं यहाँ से ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है। देखो ये मेरा ज्वाइन हो गया। अभी मैं अपने वो वाले सरफेसेस ऑन करती हूँ यहाँ पे, देखो, ठीक है। अभी मैंने इसको किया ऑफसेट सरफेस नीचे की ओर, -1, सॉरी नीचे की तरफ एरो है तो 1 एंटर एंटर। देखो अभी यहाँ से सरफेस देखो, इससे ही आपको पता लग जाएगा कि इस तरह से सरफेस बनाना बनाएंगे तो हमारा कितना स्मूथ और अच्छा बनता है, और उस तरीके से बनाएंगे तो कैसा बनता है, ठीक है। अभी इसको मैंने किया ऑफसेट सरफेस नीचे की ओर, देखो देखो इतना बन गया ये मेरा यहाँ पे, देखो अभी हमें यहाँ पे पावे सेटिंग करनी है और डायमंड्स रखने, ठीक है। उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही कर्व लाइन ड्रॉ निकाल ली थी ना अपनी, देखो ये दो लाइनें मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही निकाल ली थी, ठीक है। अभी इस लाइन को मैं यहाँ से एक बारी 12 पॉइंट देके रीबिल्ड कर लेती हूँ, और इस वाली लाइन को भी रीबिल्ड कर लिया मैंने, ठीक है। अभी देखो, अभी हमें डायमंड रखने हैं, तो डायमंड हमारे यहाँ पे इन दोनों लाइनों के बीच में आएंगे, ठीक है, और जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है ये यहाँ से हमारी बाउंड्री कट होगी, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ से जैम में जाऊंगी, जैम बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, स्पेसिंग में यहाँ पे रख दूंगी
0.15 एंटर एंटर ठीक है। तो देखो ये मेरे इतने यहाँ पे इस तरह से डायमंड्स लग गए ठीक है। अब मैं देख लूंगी मेरे को कितने डायमंड किस हिसाब से चाहिए ठीक है। अभी देखो इनको मैंने यहाँ से अनग्रुप किया और ये एक्स्ट्रा तो मैं यहाँ पे डिलीट ही कर लूंगी ठीक है, क्योंकि इतना छोटा डायमंड हमारा यहाँ पे नहीं लग सकता ठीक है। टॉप व्यू में एक बार ही इसका भी मैं यहाँ पे इस डायमंड का भी डायमीटर देख लूंगी कितना है यहाँ पे। ये है मेरा यहाँ पे 0.93, इतना छोटा डायमंड भी नहीं होता हमारा, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करूंगी ठीक है। मैं यहाँ से 1 mm से ऊपर के ही डायमंड रखूंगी ठीक है। और यहाँ से भी देख लूंगी मैं, देखो यहाँ पे मेरे प्रोंग आएंगे ठीक है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं रखे, ये मैंने यहाँ से यहाँ मेरे प्रोंग आ जाएंगे और यहाँ पे लाइन लगा दी ठीक है। अब देखो ये डायमंड मैंने इसलिए पहले रखी है ताकि मुझे यहाँ से ये लाइन मिल जाए ठीक है। अभी देखो अभी सारे डायमंड्स को मैंने यहाँ से ग्रुप कर लेती हूँ और इनको यहाँ पे मैं इसमें हाइड कर लेती हूँ ठीक है। इस लाइन का भी मैं यहाँ से सेम कलर दे देती हूँ, ये वाला ठीक है। अभी इनको मैंने यहाँ से हाइड कर लिया ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट में यहाँ से अपना ट्रिम कर दूंगी ठीक है। स्वीप टू दिस 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 एंटर ओके ठीक है। इसको मैं यहाँ पे करूंगी ऑफसेट सरफेस बोथ साइड यस 0.3 एंटर एंटर ठीक है। और इस पूरे को मैंने यहाँ से शो कर लिया ठीक है। तो इतनी मुझे यहाँ से बाउंड्री कट करनी है ठीक है। अभी इसको मैंने यहाँ से इसके साथ कर दिया बुलियन डिफरेंस ठीक है। देखो ये मेरा कट हो गया। अभी डायमंड्स मैंने ऑन किए ठीक है। ये यहाँ पे मैंने यहाँ से 0.3 मेटल कट किया है ना, तो मैं यहाँ से इनको कर दूंगी -0.3 एंटर। ये मेरे वापस से यहाँ पे इसके अंदर डाउन चले जाएंगे ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बारी प्रोंग्स भी लगा देती हूँ ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पे प्रोंग्स भी रख लिए ठीक है। अभी मैं इस वाले सरफेस को अपना डोम सरफेस बनाऊंगी ठीक है। अभी मैं यहां से करूंगी एक्सट्रैक्ट सरफेस, इसको मैंने एंटर किया और इसको मैंने यहां से डिलीट कर दिया ठीक है। यहां से मैं इसको रखूंगी ब्लेंड सरफेस, इसको सिलेक्ट एंटर, इसको सिलेक्ट एंटर। यहां से एक बारी प्रीव्यू चेक कर लूंगी, इसको मैं लॉक करूंगी ताकि दोनों चीजें मेरी सेम रहे। 0.5 वो आप अपने हिसाब से, बहुत ज्यादा हो जाएगा 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.25 ठीक है। इतना रखती हूँ मैं इसको और मैं यहां से इसको ओके कर दूंगी। देखो अभी देखो इतना पार्ट बन गया मेरा। अभी मैं इसकी यहाँ पे नीचे इसका बॉर्डर बना के इसकी हाइट बढ़ा दूंगी। अभी तो मैंने उतना ही मेटल लिया है जितना कि ये जरूरी है मतलब के। उसके बाद हम स्कूपिंग करके साइड की बाउंड्री रख के मेटल बीच का खत्म कर देते हैं ना, तो हमने पहले ये पूरा मेटल बना रखा है, अब हम इसकी बाउंड्री बना लेंगे ठीक है। वो देखो कैसे करेंगे हम, इसको हाइड सारे करो मैं अभी मेरे को इनकी कोई जरूरत नहीं है ठीक है। एक लेयर में मेरे पास करो है, इनको मैं अभी डिलीट ही कर रही हूँ ठीक है। अभी देखो अभी टॉप व्यू में हमारे पास ये कमांड है यहाँ पे कर्व बुलियन ठीक है। अगर मुझे बाहर की आउटलाइन चाहिए तो मैं बाहर एंटर करूंगी और अंदर की चाहिए तो अंदर एंटर करूंगी। देखो पूरे मेटल को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर किया ठीक है। अब वो पूछ रहा है इनसाइड जहां पे भी चाहिए ना आपको बाउंड्री, उस तरफ आपको एंटर करना है ठीक है। तो मैं एक बार इसको यहाँ पे क्लिक किया और एंटर कर दिया, बाहर की तरफ मैंने क्लिक किया एंटर किया,
तो देखो ये मेरे पास बाहर की बाउंड्री आ गई, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से ब्लू कलर दे दिया, देखो ये बाउंड्री आ गई मेरे पास, और इसको मैं ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। अभी वापिस से करती हूँ मैं यहाँ पे, ये मेरे पास इसमें था कर्व बूलियन, ठीक है, पूरे मेटल को सिलेक्ट करती हूँ, एंटर करती हूँ। अभी मुझे अंदर की चाहिए तो अंदर क्लिक किया मैंने और एंटर कर दिया, ठीक है। तो देखो ये अंदर की बाउंड्री आ गई, इसको भी मैं यहाँ से ब्लू कलर दिया, ठीक है। अभी देखो दोनों अपने मैंने ब्लू कलर ऑन कर लिए, ठीक है, बट ये मेरे पास देखो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ आए हैं, ठीक है। मैं इनको यहाँ ले आऊंगी, ठीक है। अभी इनको मैं यहाँ पे पकड़ के फ्रंट व्यू में, और मैं इनको यहाँ ले आऊंगी, ये इसमें मेरे थोड़े से मर्ज भी रहे, ठीक है, यहाँ ले आई। अभी ब्लू ये ग्रीन कलर देखती हूँ चलो, और ये वाला मेटल मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। अभी देखो जितना आपको मेटल छोड़ना है, तो मैंने यहाँ पे किया ऑफसेट अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ले लिया मैंने इसको यहाँ पे 0.75 एंटर, ठीक है, 0.75 की बाउंड्री रखी, और इसका भी मैंने ले लिया यहाँ से 0.75 की, ठीक है। बाहर की तो आपको कर्व सेम ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें हम कोई चेंजेज नहीं कर सकते, बट अंदर के कर्व हम चेंज कर सकते हैं, जो ये कॉर्नर है ना, अगर हमें इनको खत्म करना है तो। अभी इसको मैं यहाँ से रीबिल्ड कर देती हूँ ज्यादा पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कर दिया 50 पॉइंट से, ठीक है। तो देखो ये मेरे कॉर्नर्स है जो ये मेरे थोड़े से यहाँ से शार्प हो जाएंगे, देखो इस तरह से, ठीक है। इसको भी मैं रीबिल्ड कर दूंगी, तो ये भी मेरे पास यहाँ पे इस तरह से जो कॉर्नर्स है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो इस तरह से हो गया ये। अभी देखो इसको मैंने बाहर वाले को सिलेक्ट करके इसको मैंने यहां से कर दिया पैच ओके, ठीक है। अभी सरफेस को सिलेक्ट किया मैंने, यहां से स्प्लिट कर दूंगी दोनों सारी कर्व लाइन को, इसको भी एंटर, ठीक है। जो जो पोर्शन मुझे चाहिए वो ही रखूंगी, बाकी सारा मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगी, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कर दूंगी प्लास्टिक, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास यहाँ पे सरफेस बन के आ गया, ठीक है। अभी हमने इसकी जितनी हाइट बढ़ानी है हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कर दिया, यहाँ पे जाऊंगी मैं और इसको मैं यहाँ से कर दूंगी स्ट्रेट नीचे की तरफ। 1 mm रखी है हमने, मैं यहाँ से इसको ले लेती हूँ, ये 1.5 एंटर, कंट्रोल जेड माइनस करूंगी, माइनस 1.5 एंटर, ठीक है। देखो ये आ गया मेरा, और अभी मैं इसको यहाँ से ऑन कर दूंगी, और इसका भी कलर मैं यहाँ से ये वाला ही कर दूंगी, और कर्व अभी डिलीट, इसको ऑन, इसको ऑन, ठीक है। देखो मेरे पास यहाँ पे ये इसके बाउंड्री भी बन गया, देखो। अभी देखो बीच वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे पहले ही बना रखा है, ताकि वीडियो में ज्यादा टाइम ना लगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये था मेरा यहाँ पे ये रहा, देखो ये यहाँ से मैंने मून बनाया, जिस तरह से मैंने ये वाला पोर्शन बनाया था ना ब्लेंड करके, सेम उसी तरह से मैंने ये बनाया है, ठीक है। आपको इसको थोड़ा और अप लेना है, आप इसको थोड़ा सा और अप ले सकते हो डायमंड को, और यहाँ पे बस मैं यहाँ पे स्पोर्टर और ऐड कर दूंगी, ठीक है।